डेटा भी दे दिया मैंने एंड सो ऑन। फिर जो कि मुझे हिस्ट्री का ऑब्जेक्ट मिलेगा जब मॉडल को फिट कराऊंगा, उसके बाद मैंने उसको प्लॉट करा दिया तो मेरे पास कर्व आ गया। यहाँ तक की बात समझ में आ गई? कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं आप लोग। सब समझ में आ गया? हैंड रेस करें अगर कोई क्वेश्चन है तो। अच्छा, रफीक का क्वेश्चन है। जी रफीक। सर ये जो हमने इनपुट शेप रखी है 150 बाय 150 की, अगर फॉर एग्जांपल हमारी रियल इमेज जो है वो 100 बाय 100 की है, तो हम इनपुट शेप 150 बाय 150 की रख सकते हैं? हाँ, वो उसको स्केल अप कर देगा। मन नहीं करें वैसे, आप ऐसा ना करें, जो भी साइज है इमेज का तकरीबन वो रखें। लेकिन बाज़ औक़ात होते हैं इमेज आपकी मुख्तलिफ साइजेस की होती है ना, तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो उसके साइज को एडजस्ट कर देगा। ठीक है, सही है सर, थैंक यू। जी अहमद। सर इमेज डेटा जनरेटर की स्लाइड रिपीट कर देंगे उसके सारे आर्गुमेंट, क्योंकि तो आवाज बहुत हल्की आ रही है। सर इमेज डेटा जनरेटर की स्लाइड रिपीट कर देंगे क्योंकि ये डिस्कनेक्ट हो गया था, तो आपने वो स्किप हो गया मुझसे। जी मैं अभी बताता हूँ। थैंक यू सर। देखिए, इमेज डेटा जनरेटर को आपने बहुत सारे फायदे हैं इमेज डेटा जनरेटर के। एक तो फायदा ये है कि आप ये बता सकते हो कि इमेज जो है किस साइज की होगी। टारगेट साइज के थ्रू आप बता सकते हो कि इमेज डेटा जनरेटर जो इमेज रीड करेगा उसको किस साइज में कन्वर्ट करेगा। फिर एक और फायदा ये है, इमेज डेटा जनरेटर को आप ये भी बोल सकते हो कि मेरी इमेज को नॉर्मलाइज कर दो। जैसे मैंने बोला ना, रीस्केल करो 1/255 से, तो 255 से डिवाइड कर देगा हर पिक्सल वैल्यू को, ताकि हर वैल्यू जो है 0 और 1 के बीच में आए। इसके अलावा भी हम एक और चीज देखेंगे इमेज डेटा जनरेटर का, एक और इम्पोर्टेंट फायदा भी हम देखेंगे। ठीक है, यहाँ तक के बात समझ में आ गई? डेटा ऑगमेंटेशन। Overfitting is caused by having too few samples to learn. हमने जो है चैप्टर 4 में पढ़ा ओवरफिटिंग को ख़त्म करने के कई तरीके। एक तरीका जिसमें से था कि डेटा अगर कम हो तो डेटा ज़्यादा लेकर आओ भाई। उसका सबसे अच्छा तरीका डेटा ऑगमेंटेशन ही है, यानी आप क्या करें, डेटा की मदद से नया डेटा जनरेट कराएं। ठीक है, रैंडमली जो है आप इमेज में थोड़ी सी वेरिएशंस लेकर आए, जिसकी मदद से आपका नया तरीके का डेटा जनरेट हो जाएगा। ठीक है, कैसे कर सकते हैं ये? डेटा ऑगमेंटेशन बहुत आसान है, हम खुद करते हैं, लेकिन टेंसर फ्लो ने बड़ी आसानी कर दी हमारे लिए। हमारे पास इमेज डेटा जनरेटर है, आप इमेज डेटा जनरेटर के आर्गुमेंट्स में आपने बोला रोटेशन रेंज, यानी जब डेटा जनरेटर इमेज उठा रहा होगा डायरेक्टरी से, उठा के क्या करेगा, वो रैंडमली इमेज को रोटेट करेगा। और मैंने बोल दिया मैक्सिमम 40 डिग्री, तो ये 10 डिग्री भी घुमा सकता है, 20 भी, 30 भी, 35 भी, लेकिन 40 तक। विड्थ शिफ्ट रेंज, विड्थ जो है उसकी कम ज्यादा कर सकता है, 20% का मार्जिन दे दिया मैंने। हाइट 20% का मार्जिन दे दिया। शेयर इमेज को थोड़ा सा तिरछा कर दे, 20% का मार्जिन दे दिया। जूम रेंज 20% का मार्जिन है। हॉरिजॉन्टल फ्लिप, इमेज को फ्लिप कर दो यानी 180 डिग्री घुमा दो, ये भी कर सकता है। फिल मोड इज इक्वल टू नियरेस्ट, जब इमेज को घुमाएगा वो आगे पीछे करेगा, तो बास जगह ऐसी होगी जहाँ पे इमेज में कुछ भी नहीं आ रहा होगा, तो वहाँ पे उसको फिल करने के लिए वो क्या करे, उसके नियरेस्ट पिक्सल को देखे और वही वैल्यू वहाँ पे कॉपी कर दे। ठीक है,
तो ये जो है डेटा ऑगमेंटेशन के लिए हम इमेज डेटा जनरेटर को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक एग्जांपल है, इसको हम करके देखते हैं। अच्छा देखें, ये एग्जांपल मैंने पहले से करी हुई है। आपने कुछ लाइब्रेरीज इंपोर्ट कराई टेंसरफ्लो में, मिसाल के तौर पर इमेज की क्लास आपको चाहिए, वो लोड करा ली, मैटप्लॉटलिब को इंपोर्ट करा लिया, इमेज डेटा जनरेटर को इंपोर्ट करा लिया। अब कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी कि डायरेक्टरी कैसे स्पेसिफाई करनी है। देखो, डायरेक्टरी स्पेसिफाई करने का सिंपल सा तरीका है, आप देखो यहाँ पे मेरे पास इस फोल्डर के अंदर जो है, मेरे पास एक फोल्डर है डॉग्स वर्सेस कैट्स का, उसके अंदर मेरा डेटा पड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर मैंने अपनी नोटबुक फाइल्स रखी हुई है डेटा सेट से बाहर, इसके रिलेटिव आपने सारे पाथ सेट करने हैं। तो मिसाल के तौर पर मेरे पास डॉग्स वर्सेस कैट्स का फोल्डर है, उसके अंदर कैट्स एंड डॉग्स स्मॉल का फोल्डर है, उसके अंदर ट्रेनिंग का फोल्डर है, उसके अंदर कैट्स का फोल्डर है। एक इमेज डेटा जनरेटर बनाया मैंने। अब मैंने क्या कहा, मैंने बोला कि os.path.join जो मेरी ट्रेनिंग की डायरेक्टरी है, और मैं उसमें उस फोल्डर के अंदर से एक फाइल उठाऊंगा और फाइल का नाम और फोल्डर का नाम मिला दूंगा, तो मेरे पास फाइल का पूरा पाथ बन जाएगा। तो मेरे पास जितनी भी फाइलें पड़ी हुई हैं फोल्डर में, वो उठाई मैंने, उसमें से मैंने बोला मिसाल के तौर पर चौथी इमेज जो है मैं वो उठा लेता हूँ। चौथी इमेज उठाया, उसको लोड कराया, एरे में कन्वर्ट कर दिया। फिर मैंने अगले स्टेप में क्या करा, मैंने बोला डेटा जनरेटर को कि उससे इमेजेस बनाना शुरू करो, लूप लगा दिया मैंने। अब जब तक कि ये लूप चलता रहेगा, उस एक इमेज की नई नई इमेजेस बनती रहेंगी। उसको मैंने प्लॉट किया और मैंने मैट प्लॉट लिप से शो करा दिया। अगर मैं ये ब्रेक ना लगाऊं तो नई नई इमेजेस जनरेट होती रहेंगी और शो होती रहेंगी। लेकिन मैंने बोला यार चलो, पांच के बाद जो है मैं रुक जाता हूँ, पांच इमेजेस जनरेट हो जाए बस मैं उसके बाद रुक जाता हूँ, ठीक है। अब इसको मैं चला देता हूँ, तो आप देखें मेरी एक जो इमेज थी, ये इमेज थी, इससे पांच नई इमेजेस जनरेट हुई हैं, मुख्तलिफ एंगल्स में बिल्ली की इमेजेस जनरेट हुई हैं। दिस इज कॉल्ड डेटा ऑगमेंटेशन। मैं चाहूँ तो पांचवी इमेज के बदले मैं छठी इमेज ले लेता हूँ, छठी इमेज को जनरेट करा लू, छठी इमेज से मैं पांच इमेजेस बना रहा हूँ। तो ये एक बिल्ली है जिसके डिफरेंट एंगल्स से पिक्चर्स आई हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड डेटा ऑगमेंटेशन। यहां तक के बात समझ में आ गई तो आगे चलते हैं, वरना कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें। जी मुर्तजा का क्वेश्चन है। एक इमेज से कितनी इमेज, सॉरी, एक इमेज से कितनी इमेज बनानी मतलब सूटेबल होगी? जितनी चाहे बना लें आप। अगर ज्यादा बना दी और तो मॉडल ओवरफिट हो सकता है इससे, अगर ज्यादा इमेज मैंने बना दी और कोई मसला हो गया? नहीं, ओवरफिट नहीं होगा, आपकी परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ेगा, स्लो हो जाएगा कंप्यूटर, ठीक है। अच्छा, एक इमेज की अगर मैं 100 इमेज बना दूं और मतलब 10 इमेज है मेरे पास अलग अलग 10 क्लासेस की, जी कर सकते हैं, तो ऐसे 1000 इमेज बना सकता हूँ मैं? जी जी। अब इसका तरीका बताओ हम क्या करेंगे, हम ये नहीं करेंगे कि 100 इमेज बना के पहले अपने पास सेव करके रख लें, बल्कि हम ये कहेंगे अपने मॉडल को कि तुम जैसी इमेज उठाओ ना उस पे तुम ये डेटा ऑगमेंटेशन लगा दो, तो एक नई इमेज बन के मिलेगी हमेशा। मॉडल को मैंने बोला तुम्हें 1000 इमेजेस चाहिए, मेरे पास 500 पड़ी हुई है, 500 इमेज में से एक कोई भी रैंडमली उठाओ, उसको घुमा फिरा के एक नई इमेज बनाओ और उसको इस्तेमाल करो, बजाय इसके कि पहले बना के सेव करें
रन टाइम पे हम डिसाइड करेंगे कि खुद ही बनाया वो, ठीक है? अच्छा उसी वक्त करवा लें, ठीक है। तो अगर उसे अगर मैं नहीं मैं दिखा दूं कोई तो क्या वो इतना बेहतर ट्रेन होगा कि वो डिटेक्ट कर ले? क्योंकि वो तो कर लेगा, ट्रेनिंग हो गई ना, देखो जितनी ज्यादा डेटा होगा उतनी अच्छी ट्रेनिंग होगी। लेकिन सेम मैच को हमने घुमा फिरा के वही दिखाई उसे बार बार, तो इतना अच्छा ट्रेन होगा उससे? बिल्कुल होगा, वो एंगल्स चेंज हो गए ना, हमें लग रहा है कि वो सेम है लेकिन कंप्यूटर नहीं समझ पाएगा वो, ठीक है? अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, ओके थैंक यू सर। अच्छा जी बिलाल, जी बिलाल, हो नहीं पा रहा है अनम्यूट। तेरा आवाज आ रही है? जी बता आ रही है। जी सर, जी सर, मैं ये बोल रहा था कि हमने जो पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि हम लोग डेंस लेयर में जितना ज्यादा डिफरेंट डेटा दें हमारे लिए फायदा होता है, अगर हमें एक्यूरेसी अच्छी करनी होती है, सही है सर? जी देखें, लेकिन सर हम लोग जो है इमेज प्रोसेसिंग कर रहे हैं और मतलब जो है इमेज क्लासिफिकेशन कर रहे हैं और उसमें हम लोग मोस्टली CNN का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सर CNN में आपने ये बताया था कि अगर इमेज कहीं से उठ के कहीं और, मतलब इमेज का ऑब्जेक्ट कहीं से दूसरी तरफ चले जाए तो CNN उसको डिटेक्ट कर लेता है कि ये प्रीवियस इमेज का ही हुई है और ये सिर्फ ऑब्जेक्ट चेंज हुआ है, तो उसमें हमारा फायदा क्या हुआ डेटा ऑगमेंटेशन करने का? अच्छा वो जो कह रहे हैं ना वो सिर्फ ट्रांसलेशन के केस में होता है, बाकी रोटेशन जो है रोटेशन वगैरह वो डिटेक्ट नहीं कर पाता। रोटेशन हो गया, शेयरिंग हो गया, जूम हो गया जी, और जी। एक डेटा आपको डिफरेंट एंगल से मिलता है ना तो परफॉर्मेंस अच्छी होती है, जब आप इसको चेक करोगे ना तो आपको मिलेगी परफॉर्मेंस अच्छी। चलें सर, थैंक यू, करके देखिए, ठीक है? अच्छा जी, अब दो काम कर सकते हैं हम, इसको अगर आप लोग खुद करके देख लें, मैं आपको 10 मिनट दे रहा हूँ, ठीक है? आप लोग इसको अपने पास चला के देख लें, ठीक है? मैं 10 मिनट दे रहा हूँ, ठीक है? मैं यहीं पे बैठा हूँ। सर आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी आ रही है। सर मेरा मैक्स पुलिंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। सर क्वेश्चन ये था कि मैक्स पुलिंग हम करते हैं, ठीक है, वो भी समझ में आ गया कि वो किस तरीके से करते हैं, लेकिन एक्चुअली इसका पर्पस मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि क्यों होता है इससे। तो मतलब जो इसकी इमेज की साइज होती है वो कम होती जाती है ना, जैसे कि 26x26 ये तो वो 13 हो जाएगी, हाफ हो जाएगी और हाफ होती जाएगी, तो एक्चुअली इसका पर्पस क्या होता है? देखो बेटा इसका फायदा ये होता है, आपके पास इमेज तो इतनी बड़ी है ना, आपके पास इमेज इतनी बड़ी है, अगर आप इस इमेज को कंटिन्यूअसली पास करते रहो लेयर्स के थ्रू तो ये बड़ा मुश्किल होता है कंप्यूटर के लिए जो है ना कि इसके अंदर से डिटेक्ट करना कि कौन सा ऑब्जेक्ट है। लेकिन जब आप मैक्स पुलिंग करते हो तो आप मैक्सिमम वैल्यू उठा लेते हो, वही हमारे काम की होती है, तो साइज रिड्यूस हो जाता है, मैनेजेबल हो जाता है, ठीक है? कंप्यूटेशनल पावर जो है कम चाहिए होती है मैक्स पुलिंग की वजह से। तो मैक्स पुलिंग से हम इमेज की साइज को शॉर्ट कर रहे होते हैं या इसके फीचर्स की साइज को शॉर्ट कर रहे होते हैं? बेटा इमेज के जो पिक्सल वैल्यूज हैं वही तो आपके फीचर्स हैं ना। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, असल तो हमें इसका फीचर्स कम करने होते हैं ना, तो मैक्स पुलिंग से एक्चुअल पर्पस ऑफ फीचर्स कम करना होता है ना, मतलब अच्छा से अच्छा फीचर उठा लें और बाकी कम कर दें। जी जी बिल्कुल, ठीक है ठीक है, थैंक यू सर। अच्छा आगे चलते हैं,
स्टूडेंट्स की फरमाइश पे अब हम जो है इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, असद जी अस्सलाम सर, मैंने पूछना ये था कि अगर मल्टीपल फिल्टर लगाने का क्या जरूरत है, अगर एक ही फिल्टर हम लगाए तो वो सेम ही रिजल्ट देता है आउटपुट? हाँ देखो बेटा, जो शुरू के फिल्टर्स होते हैं ना, देखो कभी आपने वो देखा है मिनरल वाटर का फिल्टर प्लांट, वो एक ही फिल्टर नहीं लगा होता, मल्टीपल लेयर्स लगी होती हैं। जी जी, तो ऐसे ही होता है। पहली फिल्टर जो है, पहला फिल्टर फॉर एग्जांपल एजेस निकाल रहा होता है, एजेस निकाल के आगे पास कर रहा होता है जी, एजेस निकाल के आगे पास कर रहा होता है। उसके बाद दूसरा फिल्टर आता है, वो जो पिछले फिल्टर ने जो दिया होता है उसको लेके उसपे मजीद फिल्टर अप्लाई करके हो सकता है कि वो शेप बना रहा हो। उसके बाद वाला फिल्टर उसको उठा के फिर वो इस काबिल होता है कि उसकी मदद से, तो ये कंबाइंड एफर्ट होती है, मिल के काम होता है ना, कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के थ्रू फिर आखिर में जाके ये डिटेक्ट होता है अच्छा ये कैट है या डॉग है। सर ये जो एक सर, लेकिन फिल्टर जो है वो तो हम खुद ही डिसाइड करते हैं, फिक्स सेट होता है ना, या तो हम हॉरिजॉन्टली लगाते हैं या वर्टिकल डिटेक्शन एज डिटेक्शन कुछ एक भी लगाते हैं, या वो ऑटोमेटिकली खुद डिसाइड करता है कि यार कौन सा लगाना है? नहीं यहाँ पे हम खुद नहीं डिसाइड करते, यहाँ पे ट्रेनिंग के बाद जो है फिल्टर की वैल्यू डिसाइड होती है। अच्छा, ट्रेनिंग के बाद डिसाइड होती है। अच्छा, दूसरी बात ये सर कि कर्नल और फिल्टर में क्या डिफरेंस है? सॉरी, कर्नल और फिल्टर में कालमान फिल्टर हो गया, बहुत सारे फिल्टर हैं, बटरवर्थ फिल्टर हो गया, ये सारे फिल्टर्स जो है ये तो फिक्स्ड होते हैं ना, लेकिन हमारे पास जो फिल्टर अभी यहाँ पे आएंगे ये फिल्टर की वैल्यूज खुद डिसाइड करेगा वो। अच्छा, लेकिन एक हमारे पास होता है टेंसर प्रो में, हम पास करते हैं कर्नल साइज और फिल्टर साइज, इन दोनों में क्या फर्क है? कर्नल साइज और फिल्टर साइज जी जी एक ही चीज है, एक ही चीज है। तो अच्छा साइज, अच्छा जी आगे चलते हैं। अच्छा, दो लोग और सवाल पूछ रहे हैं जी। बिलाल सर, मैं ये पूछ रहा था कि अगर मुझे पता है कि मेरी इमेज के अंदर मुझे ये फीचर एक्सट्रैक्ट करने हैं, फॉर एग्जांपल एक इमेज है उसके अंदर सर्कल मुझे एक्सट्रैक्ट करने हैं, तो मैं पहले से ही फिल्टर डिजाइन कर लूं सर्कल का और वो डायरेक्ट एक्सट्रैक्ट कर लूं, मुझे ट्रेनिंग की जरूरत ही नहीं है, तो ये पॉसिबल हो सकता है? बेटा पहले तो ऐसी काम होता था ना, फिर मशीन लर्निंग की जरूरत ही नहीं है ना। नहीं सर, मुझे जैसे मुझे पता है कि मेरी इमेज के अंदर ना ये पार्ट मुझे एक्सट्रैक्ट करने हैं, तो फिर मैं फिल्टर की ट्रेनिंग कराऊं ही नहीं ना, मैं पहले फिल्टर डिजाइन कर लूं कि मुझे अपनी इमेज के अंदर इस तरह के जो शेप्स आ रहे हैं इसको डिटेक्ट करना है, और फिर मतलब फिल्टर एक पहले से डिजाइन हुआ होगा तो फिल्टर को ट्रेन होने की जरूरत ही नहीं होगी। तो बिल्कुल कर सकते हैं ऐसे ही, पहले ऐसे ही काम होता था ना, लेकिन हम तो कंप्यूटर विजन के थ्रू कर रहे हैं, हम ये काम जो है कंप्यूटर की जिम्मेदारी लगा रहे हैं। अच्छा, हमारे लिए हम क्यों फिल्टर बनाए बैठ के, इतनी मेहनत कर रहे हैं, चलें चलें खुद ही बनाए, चलें ठीक है, चलिए सर, थैंक यू। अच्छा हसन सर, आपने जैसे आवाज आ रही है सर? जी जी आ रही है। आपने मैक्स पूलिंग का बताया, तो वैसे ही मिनिमम पूलिंग और एवरेज पूलिंग भी होती है, तो इन सब में फर्क क्या है और इनमें से बेस्ट कौन सी है? देखो बेटा, मैक्स पूलिंग तो ये होती है कि हर पैच में से मैक्सिमम वैल्यू निकाल लो, मिन पूलिंग का मतलब है हर पैच से मिनिमम वैल्यू निकाल लो, और एवरेज पूलिंग का मतलब है हर पैच से एवरेज वैल्यू निकाल लो, सम पुलिंग का मतलब है हर पैच की वैल्यूज को ऐड कर लो। नॉर्मली जो है मैक्स पुलिंग ही इस्तेमाल होती है, मैक्स पुलिंग के रिजल्ट्स ही सबसे अच्छे हैं, ठीक है, क्योंकि आपकी इमेज में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट मैक्सिमम वाले ही होता है, तो मैक्स पुलिंग ही अप्लाई की जाती है नॉर्मली, ठीक है। चलेंगे सुफियान, आवाज आ रही जी सर? मैं पूछना चाह रहा था कि
जैसे हमारा ये स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, ये भी एक इमेज की मल्टीपल इमेजेस बनाकर जो है वो उसको एक नया फिल्टर दे देता है, तो क्या ये इसी की एग्जांपल है डेटा ऑगमेंटेशन की? स्लो मोशन जो है, देखिए इसमें मुख्तलिफ टेक्निक्स इस्तेमाल हो सकती हैं, जैसे मेरे हिसाब से इसमें मोशन ट्विनिंग इस्तेमाल हो रही होती है, मोशन ट्विनिंग के थ्रू हो सकता है, और हो सकता है बहुत सारी टेक्निक्स हो, मुझे आइडिया नहीं है इसका, तो मैं आई एम नॉट एबल टू आंसर इट राइट नाउ, आप देख लें इसको, स्टडी कर लें, ठीक है? अच्छा देखो अब हम क्या करते हैं, एक और एग्जांपल है वो भी मैंने की हुई है, इसको जो है डेटा ऑगमेंटेशन को इस्तेमाल करते हुए, देखो टेंसर फ्लो को इंपोर्ट करा लिया हमने, लेयर्स डेटा जनरेटर वगैरह वगैरह, ठीक है, मॉडल बना लिया हमने, सीक्वेंशियल लगाया, सीक्वेंशियल के अंदर कॉन्वोल्यूशन डाला, 32 फिल्टर्स रखे, 3x3 का फिल्टर साइज रखा, एक्टिवेशन फंक्शन रेलू रखा, इनपुट शेप जो है 150x150x3 रखा, फिर मैक्स पूलिंग लगाया, फिर कॉन्वोल्यूशन, फिर मैक्स पूलिंग, फिर कॉन्वोल्यूशन, इसके कॉम्बिनेशन लगाएंगे। अच्छा इसमें ड्रॉप आउट भी लगा दिया, ना लगाओ भले, ड्रॉप आउट आपको पता है कि ओवर फिटिंग को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इमेज डेटा जनरेटर इस्तेमाल किया, ये डेटा ऑगमेंटेशन कहता है। फिर हमने जो है ट्रेनिंग डायरेक्टरी बता दी कहाँ पे डेटा पड़ा हुआ है। अच्छा ट्रेनिंग के दौरान डेटा ऑगमेंटेशन करेंगे, वैलिडेशन में नहीं करेंगे डेटा ऑगमेंटेशन, वैलिडेशन में तो वैसे ही रहने देंगे, जो एक्चुअल डेटा उसी पे टेस्ट करेंगे ना, टेस्ट डेटा तो कभी आर्टिफिशियल नहीं होना चाहिए ना, टेस्ट डेटा तो एक्चुअल होना चाहिए। और यहाँ पे इसको ट्रेनिंग कराते हैं, देखते हैं आप इसकी ट्रेनिंग, थोड़ा सा टाइम लगेगा जब तक कि आप लोग अपने कंप्यूटर पे भी करें इसको। तो ये ट्रेनिंग हो रही है इसकी, नहीं क्लास नहीं खत्म है बेटा, अभी क्लास चल रही है, ये आप लोग करें अपने कंप्यूटर पे। आ गया
चले जी अब एक काम करते हैं, ये तो मेरा ख्याल है तकरीबन एक घंटा लेगा इसकी ट्रेनिंग होने में ना, तो जब तक कि हम जो है अगला काम जो है समझ लेते हैं, फिर आप लोग अपने कंप्यूटर पे इसको करिएगा, ट्रांसफर लर्निंग हम समझ लेते हैं ठीक है। ट्रांसफर लर्निंग क्या होती है बेटा, कि प्री ट्रेन नेटवर्क को जो कि किसी पुराने डेटा पे ट्रेन हुआ हुआ है, फॉर एग्जांपल इमेज नेटवर्क। अच्छा कुछ क्वेश्चन आ रहा है फैजान का, जी फैजान ये ड्रॉप आउट अगर थोड़ा समझा दें प्लीज। ड्रॉप आउट जी सर, देखो बेटा ड्रॉप आउट तो ये होता है ना कि आपका जो डेटा